So, in the last class, we have discussed few concepts of ratio, proportion, indices. चलिए पहले थोड़ा सा recap करते कुछ sums के साथ में. So, let us have question number one. A train travels 300 kilometer in 5 hours. How much it will travel in 9 hours? 300 किलोमीटर ट्रैवल करता है 5 घंटे में, तो 9 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा? तो आंसर इज प्रिटी नॉर्मल. 300/5 इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर, और वी कैन डायरेक्टली से 300/5 × 9 दैट इज 540 किलोमीटर्स इन 9 आवर्स. क्योंकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो या तो आपको पर आवर में निकालने बोलेगा या आपको टोटल निकालने बोलेगा. तो हम लोग ने दोनों ही कर लिया. नेक्स्ट, अगर मेरे को a इज टू बी पता है 4:5, b इज टू सी पता है 2:3, मेरे को इस सब में दो आंसर निकालना है. एक तो a इज टू सी निकालना है और दूसरा मेरे को निकालना है a:b:c. a:b पता है, b:c पता है. आपको यहां पर दो आंसर निकालना है, a:c एंड a:b:c. तो क्या a/c को हम लोग a/b × b/c लिख सकते हैं? यस और नो? a/c को हम लोग a/b × b/c लिख सकते हैं. a/b पता है 4/5 है, b/c पता है 2/3 है. तो मेरा आंसर आ गया 8/15. दैट इज a:c = 8:15. तो क्वेश्चन पढ़ के स्टेप वन में क्या करना है वो सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ टू अप्रोच द सम, कि फर्स्ट पार्ट में कैसे अप्रोच कर रहे, सेकेंड पार्ट में कैसे अप्रोच करेंगे. सेकेंड पार्ट में क्या करना है, दोनों जगह पर बी का वैल्यू सेम करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो b का वैल्यू है उसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे. और यहां पर जो b का वैल्यू है उसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे. आप रेशियो के टर्म्स में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ऑल द टर्म्स के साथ में वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. सेकेंड वाले पार्ट में जो बी का वैल्यू है उसको ऊपर वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर वाले पार्ट में जो बी का वैल्यू है उसको नीचे वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो.
तो ये मेरा क्या बन जा रहा है, ये मेरा बन जा रहा है 8:10 एंड 10:15। अब दोनों जगह बी का वैल्यू सेम हो गया, देयरफॉर ए इज टू बी इज टू सी इज 8:10:15। देयरफॉर ए इज टू बी इज टू सी इज 8:10:15। देयरफॉर A is to B is to C is 8:10:15। ठीक है, यस ये दो क्वेश्चन आप लोगों ने किया है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब आप लिखिए बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज, बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज। तो आप लोग मेरे को बताएंगे ए प्लस बी जो होल स्क्वायर होता है उसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। चलिए फटाफट बताइए, ए प्लस बी होल स्क्वायर को आप क्या क्या लिख सकते हैं। वी आर जस्ट डीलिंग, हाँ हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूं, एंड वॉट एल्स आई कैन राइट, कैन आई राइट a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस 4ab, कैन आई राइट दिस, या फिर मैं ये लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। बोलिए, सिमिलरली ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, या a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। यस तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले मेरे को 6x को लिखना पड़ेगा ऐसे 2ab वाले फॉर्मेट में। इसके वजह से क्या हो रहा है, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख रहा हूं और x को मैं x का स्क्वायर लिख रहा हूं, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यही अगर आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही ए फोर माइनस बी फोर बोलेगा तो ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, येस और नो? यही अगर मेरे को एग्जाम में बोल देगा ए टू द पावर एट माइनस बी टू द पावर एट तो क्या होगा, ए फोर का होल स्क्वायर माइनस बी फोर का होल स्क्वायर, ए फोर माइनस बी फोर इंटू ए फोर प्लस बी फोर। अगर इसका वैल्यू याद है तो डायरेक्टली प्लेस कर दो, वरना उसको फर्दर ब्रेक करके सॉल्व कर लो। वरना उसको ब्रेक करके सॉल्व कर लो, वरना उसको ब्रेक करके सॉल्व कर लो। बहुत कॉमनली यूज फॉर्मूलाज है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन आया, एक्स का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर। यही अगर खाली एक्स माइनस टू होता तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस रूट टू इंटू रूट एक्स प्लस रूट टू, हा या ना? अगर एक्स माइनस टू को आई हैव टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट डू आई डू? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस और नो? सिमिलरली अगर 1 बाई ए माइनस रूट बी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं टू रैशनलाइज रूट हटाने के लिए। हम लोग को रैशनलाइज करना पड़ता है विथ ऑपोजिट साइन। तो ऊपर तो ए प्लस रूट बी आ गया, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, बोलिए? नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलर कॉन्सेप्ट वी हैव व्हेन यू सॉल्व दिस ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए प्लस बी भी लिख सकते हो, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। सिमिलरली वी हैव फॉर ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। यही अगर मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहता है तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, और एल्स वी राइट दिस। ये जो मल्टीपल फॉर्मूलाज है ये याद होना चाहिए, किस एग्जाम में कौन सा दरकार पड़ेगा यू नेवर नो, किस एग्जाम में कौन सा दरकार पड़ेगा यू नेवर नो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, बिकॉज वी आर अनअवेयर ऑफ दिस बेसिक फॉर्मूलाज, या हमको उस समय याद नहीं रहता है, बोल करके हमको आगे का जो एडवांस्ड
सम्स होते हैं मैथ्स में या एडवांस चैप्टर्स होते हैं, मेरे को उसमें प्रॉब्लम होता है, मेरे को उसमें प्रॉब्लम होता है. वी हैव अ प्रॉब्लम इन दिस, वी फेस प्रॉब्लम इन दिस. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको यहां तक क्लियर है तो हम लोग आज एक प्रॉपर्टी सीखेंगे कि इफ a टू द पावर b इक्वल्स टू k, देयरफॉर a इक्वल्स टू k होल टू द पावर 1 बाई b. इफ a टू द पावर b इक्वल्स टू k, देयरफॉर a इक्वल्स टू k टू द पावर 1 बाई b. इफ a square equals to b cube equals to c to the power 4 equals to k bracket mein say, then a square equals to k, b cube equals to k, c to the power 4 equals to k. Or a equals to k to the power half, b equals to k to the power 1 by 3, or c equals to k to the power 1 by 4. ठीक है, इसको शिफ्टिंग ऑफ पावर्स बोलते हैं. जब पावर्स, ध्यान से ये चार्ट को फॉलो करना, जब पावर्स का शिफ्टिंग होता है ना, जब पावर्स का शिफ्टिंग होता है तो या तो वो सेम साइड पे होता है या वो अदर साइड पे होता है. अगर सेम साइड मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, और अदर साइड मतलब एलएचएस टू आरएचएस और आरएचएस टू एलएचएस, इसमें पावर्स वैल्यू रिमेन्स सेम बट साइन गेट्स चेंज्ड. इसमें पावर का वैल्यू सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा. वही तुम अगर इसका बात करेगा तो इसमें साइन remains same, power gets reciprocaled, powers get reciprocaled. Say for example,
एक्स टू द पावर 5 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 है। एक्स टू द पावर 5 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 इक्वल्स टू 8। तो ये एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूं, आप देखिए ध्यान से, यहां पर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया है। पहले एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, अभी एक्स स्क्वायर कहां आ गया है, न्यूमरेटर में, ठीक है। अब अगर हम लोग सम्स के सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो इसका जो इफेक्टिव आएगा वो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8 आएगा। यही आप देखेंगे, अब जब पावर्स को शिफ्ट किया जा रहा है उस साइड, द पावर्स इज गेटिंग रेसिप्रोकल्ड, साइन प्लस था प्लस ही रहा, साइन प्लस था प्लस ही रहा, बट द वैल्यू इज गेटिंग रेसिप्रोकल्ड, द वैल्यू इज गेटिंग रेसिप्रोकल्ड, द वैल्यू इज गेटिंग रेसिप्रोकल्ड। यहां से एक एग्जाम्पल और बनता है, ए होल टू द पावर एम टू द पावर एम बाई एन इक्वल्स टू बी, दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी होल टू द पावर एन बाई एम, ए होल टू द पावर एम बाई एन इक्वल्स टू बी, देन ए इज इक्वल्स टू, देन ए इज इक्वल्स टू बी होल टू द पावर एन बाई एम, ठीक है। नेक्स्ट, हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस, क्या लिखा मैंने बोर्ड में, मैंने बोर्ड में क्या लिखा है, चलिए पढ़िए फटाफट, बेसिकली दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ लॉगरिदम, लॉगरिदम बोल के भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बोल रहा है लॉग एन, अब समझना पड़ेगा आपको, लॉग एक एक्सप्रेशन है, लॉग एक एक्सप्रेशन है, तो लॉगरिदम ऑफ एन, दिस एन इज नोन एज नंबर ऑफ द लॉगरिदम, दिस एन इज नोन एज नंबर ऑफ द लॉगरिदम, दिस इज बेस एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट आउटपुट। एंड ये पूरा कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, इसका जो भी डेरिवेशन है इट इज कनेक्टेड विथ इंडिसेस, इसीलिए पहले वो समझाया जाता है फिर ये समझाया जाता है। लॉग एन बेस ए इज इक्वल्स टू एक्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर यहां पर 2 है और यहां पर 16 है तो पावर में क्या होना चाहिए, फोर होना चाहिए, तो
यहां फोर होना चाहिए। अगर यहां पर फोर है, यहां पर 1024 है, तो यहां पावर में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या इतना 5 होना चाहिए। चलिए ठीक है। अगर यहां पर 2 है, यहां पर 32,768 है, तो यहां पावर में क्या होना चाहिए? कितना? 15। देखो मैं ये नहीं बोलता कि ये ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल नहीं है, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। 15। एकदम सही, तुम लोग जो बोल रहे सही है। मेरा सवाल क्या बोल रहा है कि अगर यही नंबर और हायर होते जाए तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस ना। आज पहले वाले का आंसर आप लोग, आज पहले वाले का आंसर आपने 2 सेकंड में बता दिया, इसका आपने 30 सेकंड लिया, इसमें आपने 1 मिनट से ज्यादा ले लिया। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे पावर्स निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। यही अगर पावर डेसिमल में हो तो जब बड़े कैलकुलेशंस का बात आएगा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस का बात आएगा, उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ लॉग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ लॉग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ लॉग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू एन। This is the exponential form. This is the exponential form. ये कौन सा वाला form है? Exponential form. इस type के form को हम लोग exponential form बोलते हैं। और इसी का मैं logarithmic form लिखूंगा। अब मैं लॉग का डेफिनेशन लिख रहा हूं आपके लिए। द लॉगरिदम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर टू अ गिवन बेस ए इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू प्रोड्यूस एन। चलिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द लॉगरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर टू अ गिवन बेस ए इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज टू प्रोड्यूस एन। बेस का कितना पावर
आउटपुट होता है, बेस का कितना पावर आउटपुट होता है, दैट पावर इज द आंसर ऑफ द लॉगरिथम. दैट पावर इज द आंसर ऑफ द लॉगरिथम. अभी तक मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला सिखाया है लॉग का, हाँ या ना? मैंने कोई भी फॉर्मूला सिखाया है लॉग का? नहीं सिखाया है ना? यस और नो? मैंने सिखाया है या नहीं सिखाया है? नहीं सिखाया है मैंने. मैंने आपको लॉग का कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया है. तो मेरा एक सवाल है, लॉग 64 बेस में 4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. सवाल क्या है? लॉग 64 बेस में, हेलो, लॉग 64 बेस में 4, हाउ मच दिस बेस मस्ट बी रेज्ड, हाउ मच दिस बेस मस्ट बी रेज्ड टू प्रोड्यूस एन. 4 का कितना पावर 64 होता है? 3 times. दैट पावर इज द आंसर ऑफ द लॉगरिथम. बेस का कितना पावर, 4 का कितना पावर 64 है, तो जो भी पावर होगा 4 का, वही मेरा लॉग का आंसर होगा. वही मेरा लॉग का आंसर होगा. लॉग 64 बेस 4 इज 3. कैसे? 4 टू द पावर 1 इज 4, सेटिस्फाई नहीं हुआ. 4 का स्क्वायर इज 16, सेटिस्फाई नहीं हुआ. 4 का क्यूब इज 64, यस, इट सेटिस्फाइज. सो व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द पावर, व्हेन लार्ज नंबर इज गिवन, वी टेक द हेल्प ऑफ लॉगरिथम. वी टेक द हेल्प ऑफ लॉगरिथम. कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज को थोड़ा सा इजी करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ लॉगरिथम. ठीक है. अब यहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, वो आपको देखना है. मैं फिर से यही लिख रहा हूं, लॉग एन बेस ए इक्वल्स टू एक्स. एक चीज ध्यान रखिए, एन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. दूसरा, बेस कैनॉट बी 1, 0 एंड नेगेटिव. ये दो चीज का ध्यान रखें. क्या बोला मैंने? एन हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0. इसका मतलब इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. एंड बेस ऑफ द लॉगरिथम कैन नॉट बी 1, 0 एंड नेगेटिव. बेस ऑफ द लॉगरिथम cannot be 1, 0 and negative. अब अगर आप बेस को 10 लेते हैं तो इसको कॉमन लॉगरिथम बोला जाता है. यही अगर आप बेस को ई लेते हैं तो इसको नेचुरल लॉगरिथम बोला जाता है.
इन कैलकुलस वी अज्यूम इन कैलकुलस इन कैलकुलस वी अज्यूम द बेस ऑफ द लॉग एज ई. इन कैलकुलस वी अज्यूम द बेस ऑफ द लॉग एज ई. इन कैलकुलस वी अज्यूम द बेस ऑफ द लॉग एज ई. ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है बहुत सिंपल, लॉग ए इंटू बी अगर होता है और बेस में ई होता है तो अलग अलग लिख सकते हैं विद अ पॉजिटिव साइन, ए बेस ई प्लस लॉग बी बेस ई. और दूसरा, अगर डिवाइड होता है तो माइनस साइन के साथ, लॉग ए बेस ई बी बेस ई. लॉगरिदम ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज जीरो एंड इफ द बेस ऑफ द लॉग एंड द नंबर ऑफ द लॉग इज सेम आंसर इज वन. इफ द बेस ऑफ द लॉग and number of the log is same, the answer is 1. Now all the properties, formulas are applicable vice versa. If this is equals to this, that is equals to this. तो मेरा बोलने का मतलब क्या था, अगर log 1 बेस e प्लस log 2 बेस e प्लस log 3 बेस e है तो इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज log 6 बेस e. दैट इज log 6 बेस e. ऑल द फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल वाइस वर्सा. ऑल द फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल वाइस वर्सा. यहां तक ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. चलिए, अगर लॉग के नंबर में कोई पावर है तो वो पावर लॉग के सामने आ जाएगा. अगर लॉग के नंबर में कोई पावर है तो वो पावर लॉग के सामने आ जाएगा. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, लॉग 64 बेस में 4, मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखता, लॉग 4 का क्यूब बेस में 4. अब लॉग के नंबर में पावर है तो ये क्या होगा, सामने आ जाएगा. अब बेस और नंबर सेम है तो लॉग के नंबर में अगर कोई पावर होता है तो वो पावर सामने आ जाएगा. वो पावर सामने आ जाएगा. अब लोग कंफ्यूज होते हैं
मैंने क्या बोला, मुंह से क्या बोला, पावर ऑफ द नंबर ऑफ द लॉगरिदम, पावर ऑफ द नंबर ऑफ द लॉगरिदम विल बिकम द कोएफिशिएंट ऑफ द लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। पावर ऑफ द नंबर मैंने कहीं भी यह बोला पावर ऑफ द लॉगरिथम। मान लो एक सम में तो लिखा हुआ है लॉग टू का क्यूब बेस में ई, इसको तुम लिख सकते हो थ्री लॉग टू बेस ई। अब बच्चा का कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया लॉग टू बेस ई होल क्यूब, बच्चा क्या लिख रहा है थ्री लॉग टू बेस ई। क्या सही लिखा है बच्चा? यस और नो? ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, क्या दोनों एक्सप्रेशन सेम है? इसको लॉग टू क्यूब बेस ई पढ़ा जाएगा, दिस इज लॉगरिथम ऑफ टू क्यूब टू द गिवन बेस ई, दिस इज क्यूब ऑफ लॉग टू बेस ई। इसका एक्चुअल आंसर है लॉग टू बेस ई इंटू लॉग टू बेस ई इंटू लॉग टू बेस ई। इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली व्हेन आई वाज स्पीकिंग आई स्पोक पावर ऑफ द नंबर ऑफ द लॉगरिथम, आई डिड नॉट सेड पावर ऑफ द लॉगरिथम। इन दिस सिचुएशन इट इज पावर ऑफ द लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, इन दिस केस दिस इज पावर ऑफ द नंबर ऑफ द लॉगरिथम। सो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? हाँ, नहीं ऐसे ही रहेगा, या तो आपको लॉग टू बेस ई का वैल्यू पता रहेगा वो डाल के फिर आप उसका क्यूब निकालेंगे। बेसिकली समझाने के लिए ऐसा एग्जांपल लिया गया है। नेक्स्ट, अगर लॉग ए बेस ई है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वन बाई लॉग ई बेस ए, इसको चेंज ऑफ बेस बोलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं लॉग 10 बेस 8 इक्वल्स टू 1 बाई लॉग 8 बेस 10, और एक भी है इसमें तरीका, शिफ्टिंग ऑफ बेस बोलते हैं इसको। यहां पर हम एक हाइपोथेटिकल बेस लेकर के सिचुएशन को अलग अलग कर दिए, लॉग ए बेस सी बाई लॉग इंटू लॉग सी बेस ई, क्योंकि हम ये भी बोल सकते हैं
log a base e can be written separately with a third base, constant base. मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, log 10 base e by log 8 base e. This entire concept is change of base. This entire concept is known as change of base. This entire concept is known as change of base. अगर log x बेस e है तो माइनस लेके नंबर का रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम लोग. अगर log के कोएफिशिएंट का साइन चेंज हो रहा है तो नंबर विल गेट रेसिप्रोकल्ड. द नंबर विल गेट रेसिप्रोकल्ड. The number will get reciprocaled. अब पता है अगर आप देखोगे, मैं स्लाइड थोड़ा जा रहा हूं, मैंने यहां पर क्या बताया था आपको, थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या, ये क्या लिखा हुआ है. n मतलब क्या, n क्या डिनोट करता है, वो आपका पॉजिटिव ही होगा. और बेस क्या नहीं हो सकता, बट क्या किसी भी लॉग का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है. मतलब जो फाइनल आउटपुट होता है, जो आंसर होता है लॉगरिदम का, जो आंसर होता है, ठीक है, क्या वो नेगेटिव हो सकता है. क्योंकि मैंने क्या रेस्ट्रिक्शन डाला है, मैंने रेस्ट्रिक्शन कहां डाला है, मैंने रेस्ट्रिक्शन नंबर पे डाला है, बेस पे डाला है, बट मैंने आउटपुट पे कोई रेस्ट्रिक्शन, तो वैल्यू ऑफ द लॉगरिदम टू अ गिवन बेस ए कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव. Very important point you should note. Point number 3 यहां पर, value can be positive, can be zero, can be negative. Value of the logarithm can be positive, can be zero, can be negative. ये जो मैं स्टार्टिंग के जो आपको क्लासेस करा रहा हूं और भी जो मैं कराऊंगा, जब आप एक्चुअल में कभी आगे जाकर के सिंप्लीफिकेशन करेंगे अपने कोर्स में, तब आपको समझ में आएगा कि ये बेस का क्या वैल्यू है. आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिन लोगों का भी कैलकुलस एवरेज है, दैट इज बिकॉज उनका ये बेस वीक है. अगर आप अपना मैथ्स का बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आपको मैथ्स का कोई भी चैप्टर कभी भी एवरेज नहीं लगेगा, वीक नहीं लगेगा, वो हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा. क्योंकि आप कोई भी चैप्टर्स पे चले जाइए, ऑल दिस थिंग्स आर कॉमन इन एवरी चैप्टर.
क्लियर है? ठीक है सबको, यहां तक किसी को पूछना है? सो हेयर वी एंड आवर सेकेंड सेशन. प्लीज प्रैक्टिस ऑल दिस फॉर्मूलाज, विल कम अप विथ मोर सच टेक्निक्स इन आवर थर्ड सेशन. ओके.